तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, आप सभी ने हॉलीवुड की बहुत सी कमाल की एडवेंचर मूवीज़ तो देखी होगी, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 कमाल की एडवेंचर मूवीज़ के बारे में, जिसे आपने शायद अभी तक नहीं देखा होगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हॉलीवुड मूवीज़ से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ। और साथ ही वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की काउंटडाउन शुरू करते हैं। नंबर 5, हैंसल एंड ग्रेटल विच हंटर्स। इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था 2013 में और फिल्म बेस्ड है फैंटेसी, एक्शन और एडवेंचर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है दो भाई बहनों से, जो कि प्रोफेशनल विच हंटर्स है और उनका काम है विचों को मारना और लोगों को सेफ रखना। और इसी बीच वो दोनों मार्लिन से मिलते हैं, जो कि विचों में से सबसे ताकतवर विच होती है। अब क्या वो दोनों भाई बहन उस विच को हरा पाते हैं या नहीं हरा पाते हैं, इसी पे पूरी कम्प्लीट फिल्म बनी है। फिल्म में आपको भर भर के एक्शन और एडवेंचर एक्टिविटी देखने को मिलेगा और फिल्म को IMDb ने 6.1 की रेटिंग दी है। नंबर 4, जैक द जाइंट स्लेयर। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 2013 में और फिल्म बेस्ड है फैंटेसी, एडवेंचर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है जैक से, जो कि एक बीज को अपने फार्म में लगा देता है और वो अचानक से बहुत ही बड़ी होके एक दूसरे दुनिया में पहुंच जाती है और दूसरे दुनिया के कुछ लोग अर्थ पे आ जाते हैं। और इसी बीच क्रीचर और दूसरी तरफ किंग के बीच घमासान लड़ाई होती है और इन दोनों में से कौन जीतता है, इसी पे पूरी कंप्लीट फिल्म बनी है। फिल्म में आपको एक्शन और एडवेंचर एक्टिविटी भर भर के देखने को मिलेगा और इस फिल्म को IMDb ने 6.2 की रेटिंग दी है। नंबर 3, द गोल्डन कंपास। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 2007 में और फिल्म बेस्ड है ड्रामा, एडवेंचर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है लायरा से, जो कि एक भालू के साथ निकल पड़ती है एडवेंचर में और वो बचाना चाहती है अपने एक दोस्त को और कुछ बच्चों को। मूवी में लास्ट तक क्या लायरा अपने मिशन को कम्प्लीट कर पाती है या नहीं, इसी पे पूरी कम्प्लीट फिल्म बनी है। मूवी काफी ज्यादा एडवेंचर, फैंटेसी और कुछ एक्शन एक्टिविटी से भरी पड़ी है और इस फिल्म को IMDb ने 6.1 की रेटिंग दी है। नंबर 2, द लास्ट एयरबेंडर। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 2010 में और फिल्म बेस्ड है फैंटेसी, एक्शन और एडवेंचर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है 12 साल के बच्चे से, जिसके पास अनोखी शक्तियां हैं और इसकी मदद से वो पानी और हवा को कंट्रोल कर सकता है और वो अपनी शक्तियों से किस तरीके से लोगों की मदद करता है, इसी पे पूरी कम्प्लीट फिल्म बनी है। फिल्म काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इस फिल्म में आपको कमाल का एक्शन, एडवेंचर और फैंटेसी एक्टिविटी देखने को मिलेगा और इस फिल्म को IMDb ने 4.1 की रेटिंग दी है। और हमारे लास्ट और नंबर 1 में है इन द नेम ऑफ द किंग। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 2006 में और फिल्म बेस्ड है ड्रामा, फैंटेसी, एडवेंचर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक फार्मर से, जिनके बीवी और बच्चों को किडनैप कर देते हैं कुछ लोग और वो निकल पड़ते हैं अपने बीवी और बच्चों को बचाने के लिए, लेकिन फिल्म में लास्ट तक क्या वो अपने बीवी और बच्चों को बचा पाते हैं या नहीं, इसी पे पूरी कम्प्लीट फिल्म बनी है। फिल्म में आपको एक्शन और एडवेंचर एक्टिविटी भर भर के देखने को मिलेगा और इस फिल्म को IMDb ने 5.1 की रेटिंग दी है। तो दोस्तों, ये थी टॉप 5 अमेजिंग एडवेंचर मूवीज। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट पे जरूर बताइएगा और कौन सी मूवी आपको ज्यादा अच्छी लगी, ये भी आप लोग मुझे कमेंट पे बताइएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।